हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विथ के के पर दोस्तों कोपा थ्योरी की क्लासेस में आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग विथ वी जिसके अंतर्गत हम प्रोग्रामिंग विथ वी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं दोस्तों अभी तक कोपा थ्योरी की चौदह क्लासेस हो चुकी हैं अगर आप लोगों ने सारी क्लासेस नहीं देखी है तो प्ले में जाकर सारी क्लास आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्ले का लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप लोग सारी क्लास को देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है आपका विच बी वी ए बिल्ट इन फंक्शन रिटर्न लोकेशन एट द सेकेंड स्ट्रिंग अक्रॉस इन द फर्स्ट स्ट्रिंग कौन सा बी वी ए बिल्ट इन फंक्शन के द्वारा पहली स्ट्रिंग के भीतर दूसरे स्ट्रिंग की लोकेशन प्राप्त होती है यानी पहले स्ट्रिंग के अंदर दूसरे स्ट्रिंग को कौन रखता है ऑप्शन नंबर ए मिड फंक्शन ऑप्शन नंबर बी करेक्टर फंक्शन या ऑप्शन नंबर सी ए एस सी फंक्शन या ऑप्शन नंबर डी इंसर्ट फंक्शन तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंसर्ट फंक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल इन प्रोजेक्ट स्कोप प्रोजेक्ट स्कोप में वेरिएबल घोषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए स्टैटिक ऑप्शन नंबर बी प्राइवेट या ऑप्शन नंबर सी पब्लिक या ऑप्शन नंबर डी प्रोटेक्ट तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पब्लिक एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए पब्लिक की वर्ड का उपयोग किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी टाइप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर अवेलेबल इन बीबीए बी बी ए में कितने प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर उपलब्ध हैं ऑप्शन नंबर ए दो ऑप्शन नंबर बी तीन या ऑप्शन नंबर सी चार या ऑप्शन नंबर डी छ तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुई टाइप ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी डिक्लेयर विद इन ए प्रोसीजर इन बीबीए बीबीए में किस प्रकार के वेरिएबल को एक प्रोसीजर के भीतर घोषित नहीं किया जा सकता ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्ट स्कोप ऑप्शन नंबर बी लोकल स्कोप या ऑप्शन नंबर सी ग्लोबल स्कोप या ऑप्शन नंबर डी मॉड्यूल स्कोप तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मॉड्यूल स्कोप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच वेरिएबल रिकॉग्नाइज ओनली विद इन द प्रोसीजर इन व्हिच इट इज डिक्लेयर किस वेरिएबल को केवल उस प्रोसीजर के भीतर ही मान्यता दी जाती है जिसमें इसे घोषित किया गया है ऑप्शन नंबर ए लोकल स्कोप ऑप्शन नंबर बी मॉड्यूल स्कोप या ऑप्शन नंबर सी ग्लोबल स्कोप या ऑप्शन नंबर डी प्रोजेक्ट स्कोप तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकल स्कोप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी लेबल्स ऑफ वेरिएबल स्कोप अवेलेबल इन वी बी ए वी बी ए में वेरिएबल स्कोप के कितने स्तर यानी लेबल उपलब्ध हैं ऑप्शन नंबर ए दो ऑप्शन नंबर बी तीन या ऑप्शन नंबर सी चार या ऑप्शन नंबर डी सात तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तीन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग बीबीए कोड निम्नलिखित बी बी ए कोड का आउटपुट क्या होगा कोड है आपका डीबक डॉट प्रिंट फॉर्मेट ब्रेकेट के अंदर हैज़ वन स्लैश वन दो हजार सत्रह हैज़ वाई वाई एम एम एंड डी डी तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दो हजार सत्रह जीरो एक जीरो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच फंक्शन रिटर्न द ट्रू इफ द एक्सप्रेशन इज़ ए वैलिड डेट अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स इन बी बी ए कौन सा फंक्शन सही रिटर्न करेगा या अगर एक्सप्रेशन एक वैलिड दिनांक है अन्यथा वी बी ए में गलत रिटर्न करेगा ऑप्शन नंबर ए सी डेट ऑप्शन नंबर बी इज डेट ऑप्शन नंबर सी डे या ऑप्शन नंबर डी डेट ऐड तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज डेट फंक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडीएफ इन वीबीए वीबीए में यूडीएफ का पूर्ण रूप क्या है ऑप्शन नंबर ए यूजर डेटा फंक्शन ऑप्शन नंबर बी यूजर डिफाइंड फंक्शन या ऑप्शन नंबर सी अनडिफाइंड फंक्शन या ऑप्शन नंबर डी यूज डेटा फंक्शन तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूजर डिफाइंड फंक्शन जो फंक्शन यूजर के द्वारा डिफाइंड होते हैं उन्हें यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच फंक्शन रिटर्न द डे ऑफ द मंथ नंबर फॉर्म वन टू थर्टी वन गिवेन डेट वैल्यू इन वी बी ए कौन सा फंक्शन महीने का दिन एक से इकतीस तक की संख्या वी बी ए में दिनांक से बता देता है ऑप्शन नंबर ए डे फंक्शन ऑप्शन नंबर बी डेट फंक्शन या ऑप्शन नंबर सी मंथ फंक्शन या ऑप्शन नंबर डी डेट पार्ट तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डे फंक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच फंक्शन रिटर्न द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम इन वी वी ए वी वी ए में कौन सा फंक्शन वी वी ए में वर्तमान सिस्टम दिनांक और समय लौटाता है ऑप्शन नंबर ए डेट फंक्शन ऑप्शन नंबर बी डे फंक्शन या ऑप्शन नंबर सी हावर फंक्शन या ऑप्शन नंबर डी नाव फंक्शन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाव फंक्शन नाव फंक्शन वर्तमान दिनांक और समय को बताता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच फंक्शन एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट फाइव करेक्टर फ्रॉम ए स्ट्रिंग इन बीबीए कौन सा फंक्शन वी बी ए में स्ट्रिंग से पहले पांच अक्षर निकालता है ऑप्शन नंबर ए राइट स्ट्रिंग फाइव फंक्शन ऑप्शन नंबर बी लेफ्ट स्ट्रिंग फाइव फंक्शन या ऑप्शन नंबर सी मिड स्ट्रिंग फाइव फंक्शन या ऑप्शन नंबर डी सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग फाइव फंक्शन तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेफ्ट स्ट्रिंग फाइव फंक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुई कलर ऑफ डॉट इंडिकेट द ब्रेक पॉइंट इन वी वी ए वी वी ए में ब्रेक पॉइंट का संकेत डॉट कौन सा रंग है ऑप्शन नंबर ए ग्रे ऑप्शन नंबर बी येलो ऑप्शन नंबर सी मैरून या ऑप्शन नंबर डी रेड तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रेड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच शॉर्टकट की इज यूज टू सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्म वाइल डिजाइनिंग डिजाइन करते समय फॉर्म के प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए एफ फोर ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस एफ फोर या ऑप्शन नंबर सी आल्ट प्लस एफ फोर या ऑप्शन नंबर डी शिफ्ट प्लस एफ फोर तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एफ फोर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन कोड विंडो इन वी वी ए वी वी ए कोड में विंडो ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए एफ सेवन ऑप्शन नंबर बी आल्ट प्लस एफ सेवन या ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस एफ सेवन या ऑप्शन नंबर डी शिफ्ट प्लस एफ सेवन तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एफ सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुई कोड इज यूज टू डिस्प्ले ए यूजर फॉर्म इन वी बी ए वी बी ए में यूजर फॉर्म प्रदर्शित करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए लोड यूजर फॉरमोन ऑप्शन नंबर बी यूजर फॉरमोन डॉट शो या ऑप्शन नंबर सी यूजर फॉर्म ऑन डॉट शो फॉल्स या ऑप्शन नंबर डी यूजर फॉर्म ऑन डॉट लोड तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूजर फॉर्म ऑन डॉट शो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच मैथमेटिकल फंक्शन रिटर्न स्क्वायर रूट ऑफ ए स्पेसिफाइड नंबर इन बी बी ए कौन सा गणितीय फंक्शन वी बी ए में निर्दिष्ट संख्या का वर्गमूल देता है ऑप्शन नंबर ए एस क्यू टी फंक्शन ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर फंक्शन या ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर टी फंक्शन या ऑप्शन नंबर डी स्क्वायर फंक्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एस क्यू आर फंक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वी ए फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस अपर केस से लोअर केस में स्ट्रिंग को बदलने के लिए किस वी ए फंक्शन का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए लोअर केस फंक्शन ऑप्शन नंबर बी लोअर फंक्शन या ऑप्शन नंबर सी यू केस फंक्शन या ऑप्शन नंबर डी अपर फंक्शन तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोअर केस फंक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकल ऑपरेटर इन वी बी ए वी बी ए में कौन सा एक लॉजिकल ऑपरेटर है ऑप्शन नंबर ए प्लस ऑप्शन नंबर बी माइनस या ऑप्शन नंबर सी स्टार या मल्टीप्लाई या ऑप्शन नंबर डी एंड तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एंड एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुई करेक्टर इज टू बी सफिक्सड फॉर लॉन्ग डेटा टाइप इन वी बी ए वी बी ए में लॉन्ग डेटा टाइप के लिए कौन सा करेक्टर प्रत्यय होना है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द स्टोरेज साइज ऑफ डेसिमल डेटा टाइप इन वीबीए वीबीए में डेसिमल डेटा टाइप का स्टोरेज क्या होता है ऑप्शन नंबर ए दो बाइट ऑप्शन नंबर बी चार बाइट या ऑप्शन नंबर सी आठ बाइट या ऑप्शन नंबर डी बारह बाइट तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बारह बाइट वीबीए में डेसिमल डेटा टाइप का स्टोरेज बारह बाइट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द स्टोरेज साइज ऑफ करेंसी डेटा टाइप इन वीवीए वीवीए में करेंसी डेटा टाइप का स्टोरेज क्या होता है ऑप्शन नंबर ए दो बाइट ऑप्शन नंबर बी चार बाइट या ऑप्शन नंबर सी आठ बाइट या ऑप्शन नंबर डी बारह बाइट तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आठ बाइट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी न्यूमेरिक डेटा टाइप अवेलेबल इन एक्सल एक्सएल वी बी ए में कितने न्यूमेरिक डेटा टाइप उपलब्ध हैं ऑप्शन नंबर ए चार ऑप्शन नंबर बी पांच ऑप्शन नंबर सी सात या ऑप्शन नंबर डी आठ तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सात सात प्रकार के डेटा टाइप उपलब्ध हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वॉट इज दर नेम फॉर की वर्ड इन वी बी ए में की वर्ड का दूसरा नाम क्या है ऑप्शन नंबर ए लिटरल्स ऑप्शन नंबर बी वेरिएबल या ऑप्शन नंबर सी यूजर डिफाइंड वर्ड या ऑप्शन नंबर डी रिजर्व वर्ड तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रिजर्व वर्ड कीवर्ड का दूसरा नाम रिजर्व वर्ड भी होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल इन वी बी ए वी बी ए में वेरिएबल घोषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए सब ऑप्शन नंबर बी डिक्लेयर, या ऑप्शन नंबर सी डी आई एम या ऑप्शन नंबर डी ए एस तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डी आई एम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेटा टाइप कैन बी होल्ड एनी टाइप ऑफ वैल्यू इन वी बी ए कौन सा डेटा टाइप वी बी ए में किसी भी टाइप के वैल्यूज को धारण कर सकता है ऑप्शन नंबर ए वेरिएंट ऑप्शन नंबर बी वेरिएबल या ऑप्शन नंबर सी कांस्टेंट, या ऑप्शन नंबर डी कीवर्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वेरिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुइच इंटिटी होल्ड डेटा इन बी कौन सी इंटिटी वी बी में डेटा रखता है ऑप्शन नंबर ए लिटरल्स ऑप्शन नंबर बी कांस्टेंट, या ऑप्शन नंबर सी कीवर्ड या ऑप्शन नंबर डी वेरिएबल तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वेरिएबल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्कशीट मेथड इज यूज टू कॉपी ए सीट टू एनदर लोकेशन इन द बुक वर्कशीट में किसी अन्य स्थान पर सीट की प्रतिलिप बनाने के लिए किस वर्कशीट विधि का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए एक्टिवेट ऑप्शन नंबर बी कॉपी या ऑप्शन नंबर सी एज या ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कॉपी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच बी ए वर्कशीट प्रॉपर्टी रिटर्न और सेट ए स्ट्रिंग वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट नेम कौन सा बी ए वर्कशीट प्रॉपर्टी रिटर्न या एक स्ट्रिंग वैल्यू सेट करता है जो ऑब्जेक्ट का नाम प्रतिनिधित्व करता है ऑप्शन नंबर ए नेम या ऑप्शन नंबर बी इंडेक्स या ऑप्शन नंबर सी रेंज या ऑप्शन नंबर डी सेल्स तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेम नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मेथड डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम एसोसिएट विथ द वर्कशीट इन वी बी ए वी बी ए में वर्कशीट से जुड़े डेटा फॉर्म को कौन सी विधि प्रदर्शित करती है ऑप्शन नंबर ए कॉपी ऑप्शन नंबर बी प्रिंट आउट या ऑप्शन नंबर सी शो डेटा फॉर्म या ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सो डेटा फॉर्म नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच बी वी ए प्रॉपर्टी रिटर्न ए रेंज ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट ऑल द सेल ऑन वर्कशीट कौन सी बी बी ए प्रॉपर्टी एक रेंज ऑब्जेक्ट लौटाती है जो वर्कशीट पर सभी सेल का प्रतिनिधित्व करती है ऑप्शन नंबर ए सेल ऑप्शन नंबर बी रो या ऑप्शन नंबर सी इंडेक्स या ऑप्शन नंबर डी नेम तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्ट इज मेंबर ऑफ द वर्कबुक निम्न में से वर्कबुक का मेंबर कौन सा ऑब्जेक्ट है ऑप्शन नंबर ए सीट ऑप्शन नंबर बी वर्कबुक, या ऑप्शन नंबर सी वर्कशीट या ऑप्शन नंबर डी रेंज तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्कशीट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच टाइप ऑफ वर्क बुक मेथड कैन नॉट बी मॉडिफाइड इन बीबीए वीबीए बी ए में किस प्रकार की वर्क बुक विधि को संशोधित नहीं किया जा सकता है ऑप्शन नंबर ए क्लोज ऑप्शन नंबर बी सेब या ऑप्शन नंबर सी सेब एज या ऑप्शन नंबर डी प्रोटेक्ट तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हुइच वर्क बुक प्रॉपर्टी रिटर्न ए स्ट्रिंग वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वी बी ए कौन सी वर्कबुक प्रॉपर्टी स्ट्रिंग वैल्यू लौटाती है जो वी बी ए में ऑब्जेक्ट के नाम का प्रतिनिधित्व करता है ऑप्शन नंबर ए फुल नेम ऑप्शन नंबर बी नेम या ऑप्शन नंबर सी पाथ या ऑप्शन नंबर डी वर्कशीट तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच वर्कबुक प्रॉपर्टी रिटर्न द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्लूड इट्स पाथ ऑन डिस्क इन बी बी ए वी बी ए में डिस्क पर पाथ सहित ऑब्जेक्ट का नाम किस वर्कबुक प्रॉपर्टी द्वारा होता है ऑप्शन नंबर ए फुल नेम ऑप्शन नंबर बी नेम ऑप्शन नंबर सी पाथ या ऑप्शन नंबर डी वर्कशीट तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फुल नेम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच कैन होल्ड लॉट ऑफ डेटा विथ वन वेरिएबल इन वी बी ए वी बी ए में कौन सा वेरिएबल एक साथ बहुत सारे डेटा को रखता है ऑप्शन नंबर ए एरे ऑप्शन नंबर बी कलेक्शन ऑप्शन नंबर सी ग्रुप या ऑप्शन नंबर डी मेथड तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कलेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस प्रकार की लिस्ट बॉक्स वी बी ए में आसान पसंद के एक विकल्प को सक्षम करता है ऑप्शन नंबर ए ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑप्शन नंबर बी सिलेक्शन लिस्ट बॉक्स या ऑप्शन नंबर सी मल्टीपल सिलेक्शन लिस्ट बॉक्स या ऑप्शन नंबर डी एक्सटेंडेड सिलेक्शन लिस्ट बॉक्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मल्टीपल सिलेक्शन लिस्ट बॉक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच बटन हैज थ्री स्टेट इन वी बी में तीन स्थितियों में कौन सा बटन है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन बटन ऑप्शन नंबर बी स्पिन बटन या ऑप्शन नंबर सी पुश बटन या ऑप्शन नंबर डी कमांड बटन तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन बटन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बॉक्स ग्रुप्स रिलेटेड कंट्रोल्स इन टू वन विजुअल यूनिट इन ए रिटेंगल विथ एन ऑप्शनल लेवल वैकल्पिक लेवल के साथ आयात में एक विजुअल यूनिट में कौन सा बॉक्स ग्रुप संबंधित नियंत्रण रखते हैं ऑप्शन नंबर ए लेबल बॉक्स ऑप्शन नंबर बी ग्रुप बॉक्स या ऑप्शन नंबर सी लिस्ट बॉक्स या ऑप्शन नंबर डी काम्बो बॉक्स तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रुप बॉक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज यूज टू क्रिएट यूजर इंटरफेस फॉर्म यूजर इंटरफेस फॉर्म बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए सी ऑप्शन नंबर बी वी बी ऑप्शन नंबर सी एस टी एम एल या ऑप्शन नंबर डी जावा स्क्रिप्ट तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वी बी इंटरफेस फॉर्म बनाने के लिए वी बी ए का उपयोग किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर डज एक्सल कम इन ऑब्जेक्ट हर क्ली ऑफ वी बी एक्सल वी बी ए की ऑब्जेक्ट पदानुक्रम में कहाँ आता है ऑप्शन नंबर ए रेंज ऑब्जेक्ट ऑप्शन नंबर बी वर्क बुक ऑब्जेक्ट या ऑप्शन नंबर सी वर्कशीट ऑब्जेक्ट या ऑप्शन नंबर डी एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो इन वी वी ए वी ए में प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट ही का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस आर ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस पी या ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस डब्लू या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस ई तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस आर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन वी एडिटर फॉर्म द एक्सल वर्कशीट एक्सल वर्कशीट से वी बी एडिटर खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस एफ इलेवन या ऑप्शन नंबर बी आल्ट प्लस एफ इलेवन या ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस भी या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस एफ सेवन तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आल्ट प्लस एफ इलेवन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फॉर्म ऑफ आई डी आई डी ई का पूर्ण रूप क्या है ऑप्शन नंबर ए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एलिमेंट या ऑप्शन नंबर बी इंटरनल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट या ऑप्शन नंबर सी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट या ऑप्शन नंबर डी इंटरनल डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुई शॉर्टकट की इज यूज टू स्टेप इन टू लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूशन इन वी बी ए बी ए में लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूशन के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए एफ टू ऑप्शन नंबर बी एफ फोर या ऑप्शन नंबर सी एफ फाइव या ऑप्शन नंबर डी एफ एट तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एफ एट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज कॉल्ड द सेट ऑफ कमांड्स बंडल टुगेदर अंडर वन नेम एक नाम के तहत एक साथ बंडल किए गए कमांड के सेट को क्या कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए प्रॉपर्टीज ऑप्शन नंबर बी मैक्रो या ऑप्शन नंबर सी प्रोसीजर या ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर डी इवेंट तो इसका राइट आंसर होगा बी मैक्रो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज कॉल्ड द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर एग्जीक्यूटेड अंडर वन नेम एक नाम के तहत निष्पादित किए जाने वाले स्टेटमेंट के सेट को क्या कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए मैक्रो ऑप्शन नंबर बी प्रॉपर्टीज या ऑप्शन नंबर सी प्रोसीजर या ऑप्शन नंबर डी इवेंट तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोसीजर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच वन इज एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वी बी ए वी ए में किसी ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट निम्न में से कौन सा है ऑप्शन नंबर ए प्रोसीजर ऑप्शन नंबर बी इवेंट्स या ऑप्शन नंबर सी माइक्रोज ऑप्शन नंबर डी प्रॉपर्टीज तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज कॉल्ड डबल क्लिकिंग एन ऑब्जेक्ट इन वीवीए वीवीए में किसी वस्तु पर डबल क्लिक करना क्या कहलाता है ऑप्शन नंबर ए इवेंट ऑप्शन नंबर बी माइक्रो या ऑप्शन नंबर सी प्रोसीजर या ऑप्शन नंबर डी मेथड तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इवेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुई इज यूज टू टाइप स्लैश एडिट द प्रोग्रामिंग कोड इन बी बी ए वीबीए में प्रोग्रामिंग कोड को टाइप या एडिट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए फॉर्म विंडो ऑप्शन नंबर बी प्रॉपर्टी विंडो या ऑप्शन नंबर सी इमीडिएट विंडो या ऑप्शन नंबर डी विजुअल बेसिक एडिटर तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विजुअल बेसिक एडिटर उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इस टॉपिक से रिलेटेड अभी कुछ क्वेश्चन शेष बचे हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों यह कोपा थ्योरी की पंद्रहवीं क्लास है इससे पहले हम लोगों ने चौदह क्लास कर ली हैं तो अगर आप लोग अभी तक सारी क्लास नहीं देखी हैं तो प्ले में जाकर आप सारी क्लास को देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले का लिंक मिल जाएगा वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें